राजस्थान और पंजाब के बीच खेले जा रहे मुकाबले में एक बार फिर दिखाई यशस्वी जायसवाल का यश। अपने अर्धशतक की बदौलत राजस्थान को दिलाई एक बेशकीमती जीत। पंजाब के गेंदबाजों के लाख जतन के बाद भी नहीं जीत पाई पंजाब। राजस्थान से हारकर हुई प्लेऑफ से बाहर। तो दोस्तों कैसा रहा प्लेऑफ की रेस के लिए खेले गए पंजाब और राजस्थान का मुकाबला बताएंगे आपको, इसलिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। आपको बता दें कि टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के आमंत्रण को स्वीकारते हुए पंजाब ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को पवेलियन भेजने के लिए रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि पिछले कुछ मुहावरों के तरफ भी आज भी पंजाब ने इनिंग की शुरुआत करने प्रभु सिमरन और शिखर धवन मैदान पर आए थे, मगर आज भी प्रभु सिमरन कुछ खास करते नजर नहीं आए और मात्र 2 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार हुए, जिसके बाद धवन का साथ निभाने अथर्व मैदान पर आए थे। आपको बता दें कि आज अथर्व को प्रमोट कर 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था और अथर्व ने आज एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी का इम्पैक्ट दिखाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे नवनदीप सैनी ने उनको देवदत्त के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि अथर्व ने आउट होने से पहले 12 गेंदों में 19 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 3 लाजवाब चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसके बाद पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज और पंजाब के संकट मोचन कहे जाने वाले लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने आए और यहां से धवन और लिविंगस्टन ने मिलकर पंजाब की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने इस दौरान कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन एक बार फिर शिखर धवन एक बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहे और 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर एडम जंपा के शिकार हुए। शिखर धवन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे पंजाब के वाइस कैप्टन सैम करन, जिन्होंने लिविंगस्टन का बखूबी साथ निभाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें लिविंगस्टन इंटरेस्ट नहीं दिखे और नवनदीप सैनी के एक अच्छी गेंद पर बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें लिविंगस्टन ने आज अपने नाम के विपरीत 13 गेंद खेली, जिसमें उन्होंने मात्र 9 रन बनाने में कामयाबी दर्ज की। शुरुआती 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब पंजाब की पारी को एक बार फिर से सैम करन और जितेश शर्मा ने संभाला और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान सैम करन का बल्ला शांत दिखा, मगर जितेश शर्मा ने आते ही अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी करनी शुरुआत की और राजस्थान के गेंदबाजों को जमकर धोया। इसी दौरान उन्होंने अपना आईपीएल का एक और अर्धशतक पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अच्छे लय में दिख रहे पंजाब के इस खिलाड़ी को एक बार फिर से नवनदीप सैनी ने फेरारा के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि जितेश शर्मा ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के चढ़े। वहीं यहां से एक बार फिर पंजाब के बल्लेबाजों ने कमबैक करते हुए विकेट नहीं गंवाए और अंत के कुछ ओवरों में सैम करन और शाहरुख खान के लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब 187 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाबी दर्ज कर सकी। सैम करन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 49 रन बनाए। वहीं शाहरुख खान ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, फिर इसमें उन्होंने जबरदस्त 4 चौके जड़े। वहीं उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले, जिसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होने वाला था कि पंजाब अपने इस लक्ष्य को गेंदबाजी से कैसे डिफेंड करती है। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत एक बार फिर से खराब रही और पिछले 2 मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी जॉस बटलर ने न सिर्फ अपने टीम मैनेजमेंट को बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी निराश किया और बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में जॉस बटलर को रवाड़ा ने LBW कर वापसी पवेलियन का रास्ता दिखाया। जॉस बटलर के आउट होने के बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल ने यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया और राजस्थान की तारीख को यहां से आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की। देवदत्त पडिक्कल ने साझेदारी के दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा किया और अपने जबरदस्त बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। आपको बता दें कि देवदत्त ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने लाजवाब 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के चढ़े, लेकिन राजस्थान की तरफ से अच्छी लय में दिख रहे इस खिलाड़ी को अर्शदीप सिंह ने हरप्रीत बराड़ के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने कुछ खासा प्रभावित नहीं किया और 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर ने यहां से एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर राजस्थान के लिए साझेदारी करने की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर लाजवाब शॉट खेले। इसी दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपने एक अर्धशतक के दौरान अपने बल्ले से लाजवाब 8 चौके चढ़े, लेकिन एक बार फिर अपना 50 पूरा करने के बाद देवदत्त के जैसे यशस्वी जायसवाल भी अपने 50 को एक बड़ा स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे और नॉथन एलिस एक अच्छी गेंद पर ऋषि धवन को कैच थमा बैठे और वापस पवेलियन लौट गए, जिसके बाद हिट
नायर के साथ निभाने मैदान पर। राजस्थान की तरफ से रियान पराग मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने अपने लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान को करो या मरो के मुकाबले में जीत दर्ज करवाकर प्लेऑफ के लिए एक बार फिर से रेस में ला दिया। के बाद अब जो देखना दिलचस्प होगा कि बैंगलोर अपने आखिरी मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करती है और क्या राजस्थान यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो पाती है या नहीं। बात करें पंजाब के गेंदबाजों की तो गेंदबाजों ने आज एक बार फिर से इस मुकाबले में पंजाब को जीत दिलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और सभी गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की मगर पंजाब को जीत दिलवाने में असफल रहे। आपको बता दें कि पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा रबाड़ा ने 2 विकेट झटके, वहीं सैम करन, अर्शदीप सिंह, नादन एलिस और राहुल चहर ने 1-1 विकेट लेकर राजस्थान के 6 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इस तरह के लाजवाब गेंदबाजी के बाद भी गेंदबाजों ने पंजाब को जीत दिलवाने में नाकामयाब रहे। आज की हार के बाद जहां पंजाब पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो गई, वहीं राजस्थान एक बार फिर से इस रेस में वापसी आ चुकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बैंगलोर अपने आखिरी मुकाबले में किस तरह से खेलती है और राजस्थान को प्लेऑफ में जाने का मौका देती है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।